हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, न्यू वीडियो लेके। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा पत्रकारिता पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो लोग ये वीडियो नए में देख रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि जन संचार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है, वो जाके देख सकते हैं। और जो लोग मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे, मेरे चैनल पे कभी आए नहीं थे, तो उन लोग के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल पे सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स का पूरा सिलेबस के अनुसार वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि उस वीडियो में भी आपको जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है तो मैं बता देती हूँ, वहाँ पर चर्चा ज़रूर करती हूँ कि ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको माइंड में रखिएगा। तो आप लोग वो सारी वीडियो भी जाके जरूर देखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेशनल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और फुल वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, ये नहीं सोचिएगा कि अब मेरा तो सेमेस्टर 6 गया, अब क्या सब्सक्राइब करें चैनल, ऐसा नहीं है। आपको पीजी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पीजी का सिलेबस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उस पर भी सारे टॉपिक पे आप लोगों का वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब कि बहुत सारे जो घटना कहीं भी होते हैं उसको समाचार के रूप में कौन परिवर्तन करता है, समाचार के रूप में कौन उसको ढालता है, लोगों के पास लाता है, तो कौन? पत्रकार लोग। जो पत्रकार लोग होते हैं वही ना हम लोगों को सारा बात को पहुंचाते हैं, जहाँ भी कुछ घटना हो हुआ हो वो बात को हम लोग टीवी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो कौन पहुँचाते? पत्रकार लोग। फिर है समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ठीक है, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। जो भी कुछ होता है आखिर वो लिखता तो आखिर एक इतिहास ही होता है ना। अगर आप न्यूज़पेपर को जमा करते जाइए, बहुत सालों सालों का आप न्यूज़पेपर रखे हैं तो एक तरह से इतिहास ही है आप लोगों के पास, तो वो चीज़ है। फिर है सूचना प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती है उपभोक्ताओं के अनुसार। मतलब कि सूचनाओं जो है वो प्राथमिकताएँ निर्धारित कहाँ से की जाती है, तो किससे की जाती है? उपभोक्ताओं के अनुसार से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर है समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो ताज़ी हो। मतलब कि समाचार वही होता है जो उस घटना का हम लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है जो कि ताज़ा हो। मतलब वो कल पर 4-5 दिन का नहीं, मतलब ताज़ा, जैसे कल घटित हुआ हो और समाचार पत्र में वही आज हम लोगों को पता चलता है। तो फिर है समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक स्थानीयता से निर्धारित होता है। क्या है कि समाचारीय महत्व जो है वो काफ़ी हद तक क्या है? स्थानीयता से निर्धारित होता है। फिर है पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है, मतलब पत्रकारिता है वो एक तरह से कौन सा लेखन है? तो ये है दैनिक इतिहास लेखन। जैसे कि कोई कोई न्यूज़पेपर का नाम भी होता है दैनिक जागरण, दैनिक प्रभास, ये सब बहुत सारे नाम होते हैं, तो वही है दैनिक इतिहास लेखन होता है। पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन होता है? तो दैनिक इतिहास लेखन। फिर है कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते? भूत प्रेतों के। मतलब कौन से जो है किस्से और कहानी जो है समाचार नहीं हो सकते हैं? तो भूत और प्रेतों के। ठीक है, फिर है समाचार संगठनों के समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं संपादकीय नीति। फिर है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है संपादन के सिद्धांत। मतलब कि जो भी न्यूज है उसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। फिर वस्तु मतलब उसको पूरा परख के लिखना चाहिए, और निष्पक्षता मतलब किसी के साइड की ओर से ना लिखा जाने वाला, और संतुलन होना चाहिए। तो ऐसे खबर को क्या बोलते हैं? संपादन के सिद्धांत। ठीक है, फिर है एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है यथार्थ को। मतलब एक पत्रकार जो है वो समाचार को किस रूप में पेश करता है? तो यथार्थ को। ठीक है, फिर है किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? मतलब कोई भी पत्रकार जो सूचना लिखती है उसके लिए सदा क्या आवश्यक होता है? तो निष्पक्ष, मतलब किसी के साइड से वो ना लिखे, बिल्कुल अपना निष्पक्ष, अपना जो पब्लिक को चाहिए वो लिखना चाहिए। फिर है समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? मतलब समाचार जो होती है उसमें सबसे अहम तत्व कौन सी होती है? तो न्याय संगत, मतलब न्याय मिलनी चाहिए। फिर पत्रकार का गुण है संदेह करना।
तो ये नहीं सोचेगा कि पत्रकार का गुण सिर्फ संदेह करना होता है, गुण बहुत सारे हैं उसके, पर यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसी के अनुसार हम लोगों को ऑप्शन देख के ही बताना होता है, तो यहाँ पे संदेह करना होगा। फिर है पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मीन पत्रकारिता और संचार का जो एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है, तो भोपाल में, ठीक है। फिर है विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, देखो अकॉर्डिंग। इसके बाद है संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोतों को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, उसे क्या कहा जाता है, तो जन संचार। फिर है आँख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण है अनकहा संचार। फिर है एक प्रभावी संचार में कोई ज़रूरत नहीं है सुंदर व्यक्तित्व, मतलब कि एक प्रभावी संचार के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्या, मतलब उसका सुंदर चेहरा होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद कहाँ स्थित है, दिल्ली। फिर है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कहाँ है, तो ITI। ये सब आप लोग याद जरूर कीजिएगा। संचार का मूल उद्देश्य क्या है, सूचित करने के लिए, ठीक है। फिर ऐसा कर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से कौन महत्वपूर्ण है, प्रभावी सुनना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग जो लोग लॉन्ग टाइम वीडियो नहीं देखे हैं हर टॉपिक पे, जैसे जनसंचार की परिभाषा, पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा ये वगैरह, आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कि मैं हमेशा बताते गई हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, तो वो वीडियो ज़रूर जाके चेक करें, इससे ज़्यादा वो आपको मायने रखता है, ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं बिल्कुल विस्तार से डिफिनेशन रूप करके बताती हूँ, एक एक चीज़ समझा के, वैसे ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होता है और लॉन्ग टाइप भी क्लियर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोलती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जो सब्सक्राइबर पहले से हैं वो लोग पूरा वीडियो देखिए, और आप लोगों को कैसा रहा, सभी लोग के लिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए वो भी आप कमेंट पे बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम सबको मज़े से दीजिएगा।